जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। मैं शेर खान नहीं हूँ, अच्छा है, वरना तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती। हमने उसे काफी दिनों से नहीं देखा। उसकी याद आती है? कैसा रहेगा अगर हम सबको यकीन दिला दें कि ये हड्डियाँ शेर खान की हैं? फिर हमारे मालिक शेर खान को बस कुछ देर छुपना होगा, और फिर जब सबको लगेगा कि वो मर चुका है, सब जानवर उससे होशियार रहना बंद कर देंगे। वो अकेले घूमेंगे बिना किसी डर या शक के, और तभी स्क्रंच, शेर खान उनका काम तमाम कर देगा। हम सबको ये भरोसा कैसे दिलाएंगे? ये मैं हूँ रिकी टिकी, जो नहीं है जरा सा टिकी। ओ शेर खान मेरे मालिक, इतनी जल्दी चले गए। बहुत बुरा हुआ, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। शेर खान आखिर मर गया। चलो, छुटकारा मिला, और ये खबर सुनकर सिर्फ मुझे ही खुशी नहीं होने वाली। चलो, किसी की भूख तो अब भी बरकरार है। समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे मरा या मारा गया होगा। हमें चलकर देखना चाहिए। मैंने आज तक किसी जानवर के मरने के बाद इतनी जल्दी हड्डियों का ढेर बनते नहीं देखा। हमें भी उन्हें जिंदा देखे हुए जमाना बीत गया था। मैं हड्डियों की जांच करके देखना चाहूंगा कि ये कितना बूढ़ा था। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, जरा मुझे बताओगे आप? तुम उसे मरने के बाद भी शांति से नहीं रहने दोगे? हाँ, तुम उसे इतना ज्यादा पसंद करते थे। ये भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचते थे। इतना कि वो मुझे मारना चाहता था। हाँ, वो तो है। पता है, एक रिवाज है जिसके मुताबिक तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन की लाश के साथ एक रात बितानी होती है। शेर खान के साथ अकेले, इस हालत में भी उसके साथ अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो, हम मिलकर एक सभा बुला सकते हैं। क्यों नहीं, आखिरकार वो जंगल का एक बहुत बड़ा जानवर था। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मरे हुए जानवर की इज्जत करना सीखो। ठीक है, मैं इसे नहीं छूऊंगा। अब हमें बस ये अच्छी खबर फैलानी है। सही कहा, हम इसे रोने धोने के लिए छोड़ देते हैं। ये बहुत ही शातिर प्लान है। अब कोई भी चौकन्ना नहीं होगा, खास करके वो इंसान का बच्चा जो जंगल में आजाद घूमेगा, सोचते हुए कि अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मेरे सम्मान में एक शोक सभा बुलाई गई है। सारे जानवर आ रहे हैं। मैं वाकई सुनना चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। आपको लगता नहीं कि आपको ज्यादा ही करीब आ गए मालिक? मैं ये सुनने के लिए बेकरार हूँ कि वो मेरी तारीफ में क्या कहेंगे। क्या हुआ, मरने वाले की तारीफ होनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, मैं जाकर सभा शुरू करता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी हमारे दोस्त और मालिक शेर खान को बहुत पसंद करते थे, और इसलिए आप सब यहाँ पर आए हुए हैं अपना आखिरी प्रणाम देने के लिए। माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं कहना चाहूंगी कि शेर खान बहुत ही निर्दयी था। और उसकी आंखें सुअर जैसी थी। हम वो कैसे दिखते थे इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमें बस हमारी मालिक की अच्छी बातों के बारे में बोलना है। उसे छोटे और कमजोरों पर ही हमला करना अच्छा लगता था, उसकी कभी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत शर्म की बात है कि शेर खान जैसा ताकतवर जानवर इतना स्वार्थी था, वो अच्छे काम कर सकता था। ओ शेर खान, अपने नुकीले दांतों और धारियों के साथ। मुझे याद है जब तुम नन्हे कब हुआ करते थे, तुमने एक दिन केला खा लिया था ये सोचकर कि वो चिपकली है। ये एक शोक सभा होनी चाहिए,
और ये लोग बस अपनी तारीफ और बकवास बातें कर रहे हैं। जरा इंतजार कीजिए। कहा जाता है कि बड़े टाइगर्स बहुत सारी जिंदगियां जीते हैं। शेरखान अभी भी कहीं जिंदा है, लेकिन किसी दूसरे रूप में। शुक्रिया पोनिया, ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। वैसे मैं बताना भूल गया कि अंदर से शेर खान इतना भी बुरा नहीं था। शेर खान, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि शेर खान ने क्या रूप लिया है मुझे बता देना, ठीक है? भूल मत जाना। तो कहानी के मुताबिक शेर खान ने अब कौन सा रूप लिया होगा? हाँ, वो पेड़ या जानवर कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज ही हो सकती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसकी गंध से। गंध हमेशा एक जैसी रहती है। अगर हम उसकी गंध ढूंढे तो हमें नया शेर खान मिल जाएगा। यहाँ टाइगर की बड़ी तेज गंध आ रही है। वो टाइगर की गंध का पीछा करेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? ताकि आपकी मीठी गंध मुझ पर चिपक जाए। आपने सुना ना, वो आपकी गंध का पीछा करने वाले हैं। हम दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा, मोगली एक गंध का पीछा करेगा और बघीरा दूसरी का। शेर खान, एक खजूर। उन्हें लगता है कि मैं एक खजूर का पेड़ बन गया हूँ। अजीब बात है कि गंध घूम रही है। ये खजूर शेर खान नहीं हो सकता। हो सकता है वो अब तक किसी और रूप में बदल चुका हो। कहानी के मुताबिक एक टाइगर 9 जिंदगियां तक जी सकता है। बेहतर होगा उन्हें जल्दी ही कोई इज्जतदार चीज मिल जाए। क्या तुम जानते थे वो बहुत घमंडी था? उसे घमंड नहीं कहते हैं, उसे गर्व कहते हैं। ये उसी की गंध है। शेर खान एक मक्खी बनकर लौटा है यहाँ। मैं कभी मक्खी नहीं बनूंगा, मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा। इस तरह फड़फड़ाने से कोई मतलब नहीं शेर खान, मेरे प्यारे दोस्त। तुम एक मक्खी बन गए हो और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये शेर खान नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो इतनी जल्दी एक पैंथर के पेट में नहीं जाता। मैं बाएं जाता हूँ, आप दाएं जाइए। मुझे टाइगर की गंध दाएं और बाएं दोनों तरफ से आ रही है। शायद शेर खान ने दो अलग जानवरों का रूप ले लिया हो। ये अच्छा हुआ, मेरा प्लान उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे से काम कर गया। इसमें से टाइगर की बहुत तेज गंध आ रही है। क्या शेर खान बंदर बन गया होगा? हेलो बघीरा। मुझे नहीं लगता तुम शेर खान हो, भले ही तुम में से उतनी बदबू क्यों ना आ रही हो। शायद मोगली को उसे ढूंढने में कामयाबी मिली हो। उप्स। शेर खान, क्या ये तुम हो? तो मुझे ही ढूंढ रहे थे शायद। क्या वो फिर से अपने टाइगर के रूप में आ सकता है? ऐसा होना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और उसका स्वभाव? ओह नहीं, वो बस एक अच्छा दयालु टाइगर है। देखो, तुम उसकी मूछ भी खींच सकते हो। कोशिश करो, वो कुछ नहीं करेगा। वाव, ये तो कमाल हो गया। अगर मैं अपना सर इसके मुंह में डाल दूं तो भी ये कुछ नहीं करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। अच्छे बनो प्यारे नन्हे टाइगर। मुझे तुमसे डर नहीं लगता शेर खान। आगे बढ़िए मालिक, मैं संभालता हूँ। मोगली आपका है। अच्छा हुआ तुम आ गए। ठीक है शेर खान, तुम इस हड्डी को अपनी यादगार के तौर पर रख लो।
कैसे पता चला कि वो हड्डियाँ शेर खान की नहीं है? जंगल में एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं कार्बन, और इसकी मदद से पता लगाया जा सकता है कि हड्डी कितनी पुरानी है। वो हड्डियाँ इतनी पुरानी हैं कि वो शेर खान की हो ही नहीं सकती। मैं सोच रही थी बलू कि क्या तुम हमारे किसी महान बुद्धिमान जानवर का रूप तो नहीं हो? सर की चोट बहुत भारी थी, उसे लगता है कि वो हड्डी उसके परिवार के किसी सदस्य की है। क्या आपको याद है नानी माँ, जब मैं एक नन्हा कब हुआ करता था? इस फूल की बात कर रहे थे? हाँ बिल्कुल सही, इनसे बुखार ठीक होता है। वाह, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी है बलू, क्या है ये? ये है मणि, पेड़ की रार जमकर ऐसी हो जाती है। हा? चलो अब इसे फेंकते हैं वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर क्यों? क्योंकि कुछ जानवर मानते हैं कि मणि में ऐसी शक्ति होती है जो सभी जानवरों की ताकत के बराबर होती है। सभी जानवरों की सारी ताकत, मतलब जिसे भी ये मिलता है उसे वो शक्ति मिल जाती है? पुरानी कहानियों में ऐसा लिखा था, पर आज भी कुछ जानवर इस पर यकीन करते हैं, इसलिए वो इसे हर हाल में पाना चाहते हैं। मणि, मुझे पता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत किसे है। मणि, सच में जरा सोचो, अगर मेरे पास वो पत्थर हुआ तो कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जाहिर हो जाएगा कि जंगल का असली राजा मैं हूँ, और मैं बन जाऊंगा यहाँ का राजकुमार। अब जा और मेरे लिए वो मणि लेकर आ। तुम मणि के उस टुकड़े को लाए ही क्यों? मैंने कहा था ना वो मुसीबत की जड़ है। अब तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि वो किसी बुरे जानवर के हाथ ना लगा हो। जहाँ पना शेर खान ने अपने जंगल वासियों को तुरंत सभा में बुलाया है। हाँ? प्यारी जनता, आप देख सकते हैं इस मणि ने मुझे चुना है, और अब से जन्मों जन्मों तक मैं तुम्हारा राजा हूँ। घबराना मत, क्योंकि जो जानवर मेरी चापलूसी करेगा उसे कुछ नहीं होगा। मुझे खुश रखोगे तो तुम भी खुश रहोगे। अच्छा, तो तुम हमें खाने के लिए भी चीजें दोगे? हाँ, और भी बहुत कुछ। मैं अपनी गुफा में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जाओ उस इंसानी बच्चे को लाओ और बदले में अपनी जिंदगी खुशहाल बनाओ। और राजकुमार टबाकी सब पर यही से नजर रखेगा। पहले जाओ उस इंसानी बच्चे को ढूंढने में उनकी मदद कर, काम चोर गीदड़। कहीं जानवरों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि शेर खान वाकई सबसे ताकतवर बन गया? हाँ बलू, जो कहानी पर यकीन करते हैं उन्हें लगेगा। जब तक शेर खान के पास मणि है तुम सुरक्षित नहीं, तुम्हें छुपना होगा। वो यहाँ है, मोगली यहाँ है। मैं शेर खान से मणि छीनकर झरने में फेंक के आता हूँ। मैं मोगली को लेकर आऊंगा, इनाम तो मुझे ही देना।
मुझे भी उससे छुटकारा पाना है। उस इंसानी बच्चे को मणि चाहिए तो वो उसे लेने शेर खान के पास जरूर आएगा। इंसानी बच्चे, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। तो सुधार लेता हूँ राजा जी। धत तेरी की। फिर मिलेंगे नकली शहंशाह। वो आ रहा है, तैयार रहना। अब कहाँ जाओगे? मेरे लिए तो रुको, राजकुमार के लिए। दूर हट, मुझसे चिपको। मोगली बच के भाग रहा है। कैसे हटूं? मैं तो फंस गया हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ, किसी काम के नहीं तुम दोनों। मिल गई मणि। एक मणि की वजह से हम उस मोगली के खिलाफ नहीं हो सकते। वो हमारा दोस्त है और हमारी दोस्ती उस शेर खान के खौफ से ज्यादा मजबूत है। ये काम की चीज है। मेरी हड्डी के पास भी मत भटकना भूखे गीदड़। हाँ? दौड़ खत्म हो गई इंसानी बच्चे, और मणि का विजेता है सिर्फ शेर खान। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हमें जल्दी झरने के पास पहुंचना होगा, खेल वहीं खत्म होगा। मदद के लिए शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, ये सब बल्लू की वजह से हुआ है, उसी ने हमारी समझ को बदला है। ओह अच्छा, अब जल्दी से मुझे झरने के पास जाना है और इस मणि को हमेशा के लिए पानी में डुबाना है। अब ये तमाशा। आप उसे रोकते क्यों नहीं जा पना? गीदड़ तू ही जाके रोक लेना। क्यों, पानी में आने की हिम्मत नहीं है जहाँ पना? तू मुझे ललकार रहा है। ये लो, जनता भी यहाँ पहुँच गई। शाबाश, अब सभी अपनी आँखों से देख लो, ये मणि हमेशा के लिए गई। नहीं, मैं फिसल रहा हूँ। तुम खुद अपनी हालत देख सकते हो शेर खान, इस मणि से कोई ताकत नहीं आती, उल्टा ये आपको कमजोर बनाती है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे मेरी मणि बचा लेगी। कहानी की वजह से जिंदगी दांव पर मत लगाओ।
हम सभी को यहाँ इसलिए लाए ताकि सभी को यकीन हो जाए कि उस मणि की कहानी सिर्फ एक कहानी ही थी। शुक्र है इस मणि की दिक्कत यहीं पर खत्म हो गई। अब वो किसी मछली को मिल जाएगी, फिर एक मछली यहाँ की रानी बन जाएगी, है ना? अरे नहीं, मछलियाँ इतनी बेवकूफ नहीं होती, ऐसी बातों पर तो कम अकल ही यकीन करते हैं। खामोश चूजे, जंगल के राजकुमार से तमीज से बात करो। चुप कर मिस्टर चंपू कुमार, अब ना कोई जंगल का चाहपना है और ना ही कोई राजकुमार। आजा। ओह, माफ करना बलू। अरे वो क्या है? वो मछली मेरा खाना थी। ये तुमने कैसे किया? ये हम ही है ना? हाँ, पर कैसे? एक मिनट, मैं इतना मोटा तो नहीं हूँ। जरा बचकर। घबराओ मत बघीरा, ये तो बस एक ये क्या है? मुझे नहीं पता, पर ये चीज ठीक नहीं है। सिर्फ इंसान ही ऐसी पानी की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, तो छुटकारा पाने में ही भलाई है मोगली। पानी की पत्ती? हटो भी। जरा ध्यान से, ये टूट भी सकती है। ओ मोगली, तुम्हें देखकर दिल का बल्ब जल जाता है, अकेले में तो और खुशी होती है। शेरखान, बदमाश, तुमने मेरी नींद खराब की है, इसके बदले कोई अच्छी खबर देनी होगी। अरे अच्छे से भी अच्छी है, मोगली के पास एक खास चीज है, एक जादुई चीज, और एक नहीं दो है, शायद तीन नहीं चार पाँच। बकवास बंद करो और बताओ किस चीज की बात कर रहे हो तुम। वो ऐसी चीज है जो और इंसानी बच्चे बना रही है, और कुछ दिनों बाद तुम्हें और इंसानी बच्चों से निपटना होगा, इसीलिए जल्दी करो वरना तुम। ये तो अच्छी खबर है, बहुत भूख लगी है मुझे, और इस भूख में एक दो इंसानी बच्चे आराम से पचा लूंगा। थोड़ा ऊपर और ऊपर, ये बात। ओए, वो मेरी है। मुझे वापस करो इसी वक्त। ये चीज कहीं आफत न बन जाए। मैंने तुमसे कहा था उस चीज से दूर रहना, पता नहीं कितनी खतरनाक होगी वो, कभी तो दिमाग लगाया करो मोगली। ये बात माशा से कहो बलू, अभी वो मेरे पास नहीं उसके पास है। तुम्हारे पास एक
चीज है जो मेरी है माशा। माशा को पता नहीं था कि ये खास चीज इंसानी बच्चे की है। फेंकना मत! मर नहीं! एक बार मेरे हाथ आ जाओ फिर देखना मैं। रुक जाओ मोगली, इस पानी की पत्ती की किसी को जरूरत नहीं। शराफत से वो मुझे दे दो माशा। मैं माशा से पूछती हूँ, क्या लगता है मुझे ये चीज इंसानी बच्चे को वापस कर देनी चाहिए? ओ, देखो ना माशा मना कर रही है और मैं भी। हम दोनों की बात मानी जाएगी, दफा हो जाओ। ओ, अच्छा, मुझे लगा तुम पहले ही हार मान रही हो। और वैसे भी वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है माशा। बताओ कौन खूबसूरत है, माशा या फिर वो? वैसे ये माशा भी उस माशा की तरह ही है। माशा सबसे खूबसूरत है। इस पानी की पत्ती को दूर ही रखो, ये सही नहीं लग रही। आज नहीं तो कल कोई न कोई इसे पाना चाहेगा, कोई ऐसा जो माशा से ज्यादा शातिर हो और ज्यादा ताकतवर भी। अच्छा, तो अब तुम चूजों के साथ शिकार पर निकलते हो। बघीरा, कितनी बार समझाऊं कि मेरे रास्ते में मत आ, पर बड़ा जिद्दी है तू। हाँ हूँ। उन्हें ज्यादा दूर मत जाने देना। जाओ। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये कौन है? भूत, बचाओ, भूत है उनके पास। तुझसे लड़ लड़ के पक चुका हूँ मैं बघीरा। अच्छा, पर मुझे तो रोज मजा आता है। भूत है। कायर टपाकी। चलो अब वापस चलते हैं। नहीं, पहले मुझे इस पानी की पत्ती को सही जगह छिपाना होगा। मोगली, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। उसमें तो दिमाग ही नहीं है, है ना? या ना समझ कह लो। मेरी गुफा के इतने करीब आकर गलती कर दी बरखुरदार, पर अब आ ही गए हो तो मेरे खाने तक रुक ही जा। मतलब वो कायर गीदड़ सच ही कहता था। शेर खान, देखो इन दोनों में से किस मोगली को तुम पहले खाओगे? वो चीज मुझे दे दो। बस बहुत हुआ, इस बार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है शेर खान। क्या लगता है मैं एक मोटे आलसी भालू से डर जाऊंगा? नहीं, पर तुम इस पानी की पत्ती की जबरदस्त ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। ताकत तो मेरी भी कम नहीं है, कहो तो थोड़ी सी दिखा दो। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। पर इसे वापस देने की क्या जरूरत है?
तुमने तो देखा है ना कि कैसे हमने इससे शेर खान को भगा दिया। हमने इसे रखा तो शेर खान इसे पाने के लिए कुछ भी करेगा जिससे हमें खतरा हो सकता है। हाँ, वैसे हमारे पानी की पत्ती एक काम तो कर गई है। अच्छा, भला कौन सा काम? बाकी का अपना असली चेहरा अच्छे से दिख गया। मुझे नहीं लगता आपसे पहले उसने अपनी सूरत पानी में भी कभी देखी होगी। ओह, उस भूत की शक्ल मुझसे मिल रही थी, पर वो मैं नहीं हो सकता। मैं नहीं तो कौन था? ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू